वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक करने की कोशिश जरूर किया करें। तो जैसे इस मूवी का स्टार्ट होता है, हमें मूवी का मेन कैरेक्टर सियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए सियोंग की मदर उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपने बेटी को डिनर पर ले जा सके। लेकिन अब सियोंग को और पैसों की जरूरत होती है, तो इसीलिए वो अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वो अपनी मदर के सारे पैसे चुरा लेता है और पैसों को वो लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इस गेम में वो 4 मिलियन वॉन जीत जाता है। अब सियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारे पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वही लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद वो सियोंग को पकड़ ही लेते हैं और वो उसे काफी मारते हैं। और जब सियोंग उनके पैसे लुटाने के लिए अपने पॉकेट चेक करता है, तो वो देखता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, यानी वो वाले पैसे जो उसने हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से बचकर भाग रहा था, तो वो एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने ही उसकी जेब काट ली। अब क्योंकि सियोंग के पास पैसे तो होते ही नहीं, तो इसीलिए वो लोग उसे 1 महीने का और टाइम देती है जिसमे की वो उनके पैसे लुटा दे। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद सियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलकीली उसकी ट्रेन तो मिस हो गई थी। और जब सियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन के आने का वेट कर रहा था कि तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है, और ये अननोन पर्सन था, यानी सियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वो अननोन पर्सन सियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वो सियोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गए तो मैं तुम्हें 1 लाख वॉन दूंगा। तब इतने सारे पैसों का सुनकर सियोंग ये गेम खेलने के लिए एग्री हो जाता है। इसके बाद सियोंग काफी मार खाने के बाद ये गेम जीत जाता है, यानी वो 1 लाख वॉन हासिल कर लेता है। इसके बाद वो अननोन पर्सन सियोंग को एक कार्ड देता है, ये कहते हुए कि अगर तुम और पैसे जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट करना। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है, तो उसकी मदर उसे कहती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ US में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सियोंग की डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन सियोंग कभी भी ये नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उसे दूर जाए, लेकिन उसे बहुत सारे पैसे चाहिए होते हैं अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए, तो इसीलिए सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद सियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे, लेकिन फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है। और जब उन सब लोगों की आंख खुलती है, तो वो खुद को एक फैसिलिटी में पाते हैं जहाँ टोटल 456 लोग थे, और वो वहाँ पर एज अ प्लेयर थे क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस फैसिलिटी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंट मैन था वहाँ पर, और वो सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन चीज थी कि जितने भी लोगों को वहाँ पर लाया गया था, उन सब ने कर्जे लिए हुए थे बहुत ज्यादा। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था, यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी लाइफ तो वैसे भी खत्म ही होने वाली थी। इसके बाद वहाँ पर 2 प्लेयर्स जिनमें लड़के का नाम सैबियोक और लड़के का नाम जेंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। अब यहाँ पर सैबियोक वही लड़की थी जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसकी जेब काटी थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहना था और उनके फेस अच्छी तरह से कवर्ड थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है, और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 मेन रूल्स थे। पहला रूल ये कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था ये तो हम आगे ही जानेंगे। गेम का तीसरा रूल ये था कि अगर मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सेंगू से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि वो तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहाँ पर एक काफी बड़ी डॉल थी, और इस गेम का रूल काफी सिंपल था, और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है, और जैसे ही वो गाना गाना बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है और मूव नहीं करना है, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो ये सब कुछ उन्हें किसी प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है, और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर वो सारे लोग काफी घबरा जाते हैं, और उन्हें पता चल चुका था कि वो खतरे में है, इसीलिए लोग डरते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं।
लेकिन अब क्योंकि गेम का रूल था, इसीलिए जो जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है, और जितने भी सर्वाइवर होते हैं वो किसी ना किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर ही लेते हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनके डेड बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है, और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गए थे। अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो वो ये गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर यानी फ्रंट मैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें प्राइज मनी दिखाई जाती है यानी जो विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज को मिल जाएंगे, और ये प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन वॉन होती है। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजोरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए गेम को यहीं पर स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी फ्यूचर में वो लोग चाहें तो इस गेम को रीज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट डे सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ पर वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को सियोंग की बातों पर यकीन नहीं होता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं। इसके बाद सियोंग उन्हें वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उस पर जो नंबर था वो रॉन्ग था। इसके बाद सियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहाँ पर नहीं होती। उधर सियोंग का क्लासमेट सेंगवू अपनी मदर को छुप कर देख रहा होता है, और तभी वहाँ पर सियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सेंगवू अपसेट होते हुए सियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वो बताता है कि मैंने क्लाइंट्स के पैसे लेकर स्टॉक मार्जिन में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वो सारे पैसे डूब गए। और तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। सियोंग की मदर का पांव काफी इंजर्ड था, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी चोट और ज्यादा बढ़ गई। तब डॉक्टर सियोंग को बताते हैं कि तुम्हारी मदर का ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें इनका पांव काटना होगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है सियोंग के पास इतने पैसे तो होते नहीं। इवन उसने तो अपनी मदर के इंश्योरेंस के पैसे भी उड़ा दिए थे। तब इसीलिए सियोंग पैसे मांगने के लिए अपनी वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर उसकी वाइफ अपने हस्बैंड को बताती है कि सियोंग आया था पैसे मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड सियोंग को पैसे देने आता है। साथ साथ उसे ये भी कहता है कि मेरी फैमिली से दूर रहो, लेकिन सियोंग उसे मारने लगता है, और तभी उसकी बेटी भी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद सियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस के पास पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है, तो इसीलिए उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसके बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है, तो मौके का फायदा उठाकर सियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद सियोंग का फ्रेंड अपने घर आकर अपनी वाइफ को कहता है कि पहले फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद सैबियोक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपनी मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। सैबियोक वही लड़की जिसने सियोंग की जेब काटी थी, लेकिन यहाँ अपनी मदर को लाने के लिए सैबियोक को बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। अब सैबियोक का एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर ले आऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है, और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसीलिए वो ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जब वो ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहाँ पर, और इस ऑफिसर ने सेम ऐसा ही कार्ड पुलिस स्टेशन में सियोंग के पास भी देखा था, तो इसीलिए वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सियोंग जब अपने घर जाता है तो उसे वो कार्ड दोबारा मिल जाता है वहाँ पर। अब सियोंग डिसाइड करता है कि वो दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा, इसीलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। इधर ही वो ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए उस शिप तक आ जाता है। वो एक गार्ड को मारकर उसे पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड पर मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है। अब यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वो लोग अपनी अलग अलग टीम्स बना लेते हैं। रात को सैबियोक और उसकी फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सैबियोक गार्ड्स की नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती है। तभी वो देखती है कि गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि गार्ड्स को शक हो जाता है तो एक गार्ड वॉशरूम को चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सैबियोक वापस आ चुकी थी। इसके बाद सैबियोक अपनी फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सेंगवू उन दोनों की बातें सुन लेता है और वो इस बारे में सैबियोक से पूछता है, जिस पर सैबियोक बताती है कि वो बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को प्ले ग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उनके सामने चार शेप्स थी। चार शेप्स में से उन्होंने किसी एक शेप को चूज करना था। अब यहाँ पर सेंगवू को पता चल जाता है
है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें। सेंगो सियोंग को बताता है कि सबने अलग अलग शेप्स को चुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें के शेप्स बनी होती है। अब गेम उनकी ये होती है कि उन्होंने किसी तरह उस शेप को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए, लेकिन अगर शेप जरा से भी खराब हो गई तो उन्हें इलिमिनेट कर दिया जाएगा यानी मार दिया जाएगा। अब यहाँ पर सेंगो तो इजिली उस शेप को निकाल लेता है, लेकिन सियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर वो किसी ना किसी तरह करके इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको वापस से रूम में ले जाता है। अब यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आए थे जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गए थे। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन खाने की वजह से जैंग की एक लड़के से फाइट हो जाती है, जहाँ पर जैंग उस लड़के को इतना ज्यादा मारता है कि वो मौके पर ही मर जाता है। इधर ही हम देखते हैं कि उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों के ऑर्गन्स निकाल कर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करता है। इसीलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो वो डेड बॉडीज को गायब कर लेते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था, क्योंकि ये सारा कुछ फ्रंट मैन से छुप कर हो रहा था। यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन्होंने अपना ही एक आदमी बिठाया हुआ था जो कि उन लोगों की सारी वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था, और गार्ड्स तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देती थी ताकि वो सर्वाइव कर सके। यहाँ पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वो आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा ये कि सारे वीक प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड डॉक्टर को अपनी अगली गेम के बारे में बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहाँ पर लाइट्स ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर सेंगवो को पता था कि सियोंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसीलिए वो उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वो जो डॉक्टर प्लेयर होता है वो जैंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जैंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट्स ऑफ हो जाती है और जैंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जैंग एक लड़की को मारकर सहेबियों को मारने जाता है, लेकिन तभी सियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहाँ पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गए थे। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है, और वो लोग ऐसा ही करते हैं, अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जैंग को अगली गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसीलिए वो सहेबियों की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वो अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सेंगवो भी अपनी एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर की जरूरत थी तो इसीलिए सहेबियों की फीमेल फ्रेंड उनके टीम में शामिल हो जाती है, और ये गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना था। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जैंग की गेम बड़ी आसानी से इस गेम को जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सेंगवो की टीम की। तब प्लेयर नंबर 1 यानी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी टग ऑफ वॉर्स खेल रखी है, इसीलिए उन सबको गाइड करता है कि इस गेम को कैसे जीतना है। तो इसीलिए वो लोग किसी न किसी तरह करके इस गेम को जीत जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, जिस पर सेंगवो उन सबको कहता है कि रेडी रहना। तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जैंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसीलिए जैंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर ना लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड्स मिलकर डेड बॉडी की ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं, और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 एंड 29। तो वो सभी एक डेड बॉडी के बारे में बातें करने लगती हैं जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वो उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसने वो ऑर्गन्स डिलीवर करने जाने थे, वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर था जो गार्ड के बेस में वहाँ पर आया था, और ये सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद ये लोग मेरे भाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसकी भी एक किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और 29 यानी वो ऑफिसर ऑर्गन को डिलीवर करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में वो ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, इसीलिए नंबर 28 को उस पर डाउट होने लगता है, इसीलिए वो उस ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है, साथ साथ वो नंबर 28 पर गन पॉइंट भी कर देता है। साथ साथ वो ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी के बारे में पूछता है कि वो कौन है जिसे तुम ज़ॉम्बी कहते थे, जिस पर वो नंबर 28 उससे कहता है कि वो तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबका डाटा है। ये जानने के बाद वो ऑफिसर नंबर 28 को मार डालता है। उधर वो डॉक्टर गार्ड से अगले गेम के बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड्स को भी अगले गेम के बारे में पता नहीं होता। तब इसीलिए डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में
डॉक्टर उस गार्ड को मार कर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वो दोनों प्ले ग्राउंड में आ जाते हैं। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा कर उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर इन्हें फ्रंट मैन आकर उसे मार डालता है और बाद में उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं। साथ साथ इन्हें वहीं पर नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिल जाती है, जिससे इन्हें ये पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। उधर वो ऑफिसर लीडर इन्हें फ्रंट मैन के रूम तक पहुंच जाता है, तो वो चेक करते करते एक ऐसे रूम में जाता है जहाँ पर सबके रिकॉर्ड्स थे। और जब वो ऑफिसर रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है तो उसे सभी विनर्स की एक लिस्ट मिलती है, जिसमें उसके भाई का भी नाम था, यानी वो भी कभी विनर था। उधर सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उन सबको अपना अपना पार्टनर चुनने के लिए कहा जाता है। और वो प्लेयर्स करते भी ऐसा ही है, अपना अपना पार्टनर चुन लेते हैं। सही पीओ की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में ये गेम ऐसी होती है कि एक प्लेयर को अपने पार्टनर से सारे मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई जोर जबरदस्ती किए, और जो दूसरा पर्सन होगा यानी जिसके पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सैंगवू और सियोंग का फ्रेंड ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स हैं। अब यहाँ पर सियोंग का फ्रेंड सैंगवू के सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिसकी वजह से लास्ट में सैंगवू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सैंगवू को पता चल चुका था कि अब वो बच नहीं पाएगा, इसीलिए वो सियोंग के फ्रेंड को अपनी बातों में फंसा कर उसे ये यकीन दिलाता है कि अगर हम में से कोई भी हार गया तो हारे हुए लोगों का मैच दोबारा करवाया जाएगा। अब यहाँ पर सैंगवू धोखे से सियोंग के फ्रेंड के सारे मार्बल्स चेंज कर देता है। इसके बाद सैंगवू मार्बल्स लेकर गार्ड को दे देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। और जब सियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहाँ पर पत्थर होती है। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बूढ़े आदमी की हालत खराब हो रही थी, इसीलिए वो तो इधर उधर घूम रहा था, लेकिन सियोंग किसी तरह उसे खेलने के लिए एग्री कर लेता है। अब यहाँ पर वो दोनों यानी वो बूढ़ा आदमी और सियोंग भी इवन आउट खेलते हैं। अब इनमें से वो बूढ़ा आदमी सियोंग के सारे मार्बल्स जीत जाता है, लेकिन लास्ट राउंड में वो बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था, तो यहाँ पर सियोंग उसे बातों में फंसा कर उसके सारे मार्बल्स ले लेता है। लेकिन यकीन मानिए कि वो बूढ़ा आदमी काफी चालाक था, उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वो दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर सियोंग उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। तब यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल्स धोखे से लिए हैं मुझसे। वो कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तभी सुनकर सियोंग को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे ही सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद सैबियुक और उसकी फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रही होती है। उनकी गेम ये होती है कि जो मार्बल्स को दीवार के ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। पहले सैबियुक अपने मार्बल्स फेंकती है, लेकिन जब सैबियुक की फ्रेंड की बारी आती है तो वो अपने सारे मार्बल्स फेंक देती है। लेकिन जब सैबियुक ये देख लेती है तो वो अपने फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं सैबियुक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। और इसी वजह से सैबियो की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सबकी डेड बॉडीज को वहाँ से ले जाया जाता है। इसके बाद वो सब वापस से रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर जेंग देखता है कि सैबियो की वो वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है, जो की बड़ी आराम से बैठी हुई थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैबियो की ये वाली फ्रेंड जेंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था तो इसीलिए जेंग की वो फ्रेंड उसे बुली करने लगती है। इसके बाद फ्रंट मैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंट मैन को पता चलता है कि उसके सारे वीआईपीस आ चुके हैं, तो इसीलिए फ्रंट मैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपीस को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंट मैन वीआईपीस के आने के बारे में एक और आदमी को जाकर बताता है, और यही आदमी मेन होता है, और ये कौन होता है हम ये आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे उन सबको पांचवें गेम के लिए लाया जाता है, जहाँ पर 1 से लेकर 16 तक नंबर पड़े होते हैं और वो सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। नंबर का मतलब ये था कि जो नंबर भी एक प्लेयर पर आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तो यहाँ पर सियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर चूज करना चाहिए। अगर उसने पहला नंबर लिया तो वो फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या है, और अगर लास्ट नंबर लेगा तो क्या पता उसकी बारी ही ना आए, टाइम कम रह जाए। और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो सियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर पर नहीं आया। फिर इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल ये होता है
है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज की दूसरी साइड पर जाना है। अब इसके बीच में दो तरह के ग्लास लगे होते हैं, एक तो होता है आम ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। आम ग्लास पर पाँव रखते ही वो टूट जाएगा और वो लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वो लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब जेंग सबके सामने होता है और वो आगे ही नहीं बढ़ रहा होता। अब उनके पास एक ही रास्ता था, या तो वो आगे जाए या सारे ही मर जाए। और तभी जेंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली कर रही थी, और वो जेंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वो जेंग को पकड़ लेती है और उसे लेकर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। लेकिन जब फ्रंट मैन को इस बात का पता चल जाता है तो वो लाइट्स ऑफ करवा देता है ताकि वो ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम ही नहीं था, इसीलिए सेंगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। तो यहाँ पर सेंगवू, सियोंग और सेबियोक ब्रिज को पार कर लेते हैं, लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खास तौर पर सेबियोक को। उधर उस ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मार कर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शक होता है और वो उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि ठीक है लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। इसके बाद वो ऑफिसर उस वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो ऑफिसर उस वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात का पता फ्रंट मैन को चल जाता है, इसीलिए फ्रंट मैन उसके पीछे जाता है और वो उस ऑफिसर को देख लेता है। इसीलिए वो ऑफिसर वहां से भागकर आईलैंड पर आ जाता है। फ्रंट मैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपने सीनियर्स को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वो ऑफिसर उन्हें सारे सबूत भेजता है लेकिन वहाँ पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंट मैन ऑफिसर को पकड़ लेता है और उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वो ऑफिसर तो उस फ्रंट मैन पर गोली चला देता है। इसके बाद फ्रंट मैन अपना मास्क उतार देता है तो वो ऑफिसर देखता है कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है वो। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंट मैन उसे शूट कर देता है और वो जाकर पानी में गिरता है। उधर ग्लास लगने की वजह से सही भी काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद इन सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है, मतलब रात में उन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी सियोंग नोटिस करता है कि सही भी की हालत काफी खराब है, इसीलिए वो सही भी को कहता है कि फिक्र मत करो हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सेंगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा डिवाइड कर लेंगे। सही भी उसे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं ऑर्फनेज में छोड़कर आई हूँ और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उसे उन दोनों की फैमिलीज का ख्याल रखना होगा। अब सहीबियों की हालत काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी, इसीलिए सियोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है। लेकिन जब तक वो वापस आता है तब तक सेंगवू सहीबियों को मार चुका था। फिर नेक्स्ट डे उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सेंगवू की हालत खराब होने लगती है। तभी सियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रोकना चाहता हूँ और तभी सियोंग सेंगवू को उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सेंगवू तो अपने आप को ही मार डालता है जिसकी वजह से सियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंट मैन सियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसके बाद सियोंग को उसके घर पर छोड़ दिया जाता है और उसके पास एक एटीएम कार्ड भी था, और जब सियोंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है तो वो दिखता है कि सारे पैसे उसके अकाउंट में भेज दिए जाते हैं। इसके बाद सियोंग अपने घर जाता है लेकिन तब तक उसकी मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमें एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोंग की हालत काफी खराब हो गई है, यानी वो काफी नशा करने लग गया है और उसने अब तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और वो उसे सेम वैसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था, और फिर सियोंग उस एड्रेस पर जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़े का है, प्लेयर नंबर 1 का, और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी सियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और ये सारी गेम मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए और मैंने गेम में इसीलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। वो कहता है जो पैसे तुम्हारे पास है वो मेरे ही है, और ये कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। इसके बाद सियोंग सहीबियो के छोटे भाई के पास जाता है और उसे लेकर वो जाता है सेंगवू की मदर के पास, और वो सेंगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना, साथ साथ वो उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद सियोंग स्टेशन
लोकेशन पर जाता है जहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन मिलता है जो कि उसे मूवी के स्टार्ट में भी मिला था। यहाँ पर सियोंग उसका पीछा भी करता है लेकिन तब तक वो भाग चुका था। फिर सियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खेल रहे हो लोगों की जिंदगी से। लेकिन आगे से उसे रिस्पॉन्स आता है कि सियोंग अगर तुमने जिंदा बचना है तो प्लेन में चढ़ जाओ। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।